तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है भैसण गांव, जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उत्तराखंड कुमाऊं में। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मौसम भी अचानक बदल चुका है, आसमान में पूरे काले काले बादल हैं। सुबह तक धूप लगी थी और अभी अचानक से मौसम बदल चुका है। और यहाँ पर अपनी ताई भी बैठी है, इन्हें जो है ना बच्चों ने सोने नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे हैं तो हल्ला तो करेंगे ही, और इनका ही नाती है बड़ा खतरनाक। और अभी बगल में एक अपना छोटा दोस्त भी आ रखा है, आपको मिलाते हैं उससे। ए मेरे दोस्त, आ जाए यहाँ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, गाड़ी चलाओ आप, यहाँ तो आओ। अरे गाड़ी चलाओ, यहाँ तो आओ। ये देखो, ये है मेरा दोस्त। चल मुझे भी बैठा दे यार गाड़ी में, चल टेटी चला, गाड़ी चले, ये है इसकी गाड़ी, चलाओ गाड़ी चलाओ। तो इसका नाम हर्षित है, और ये कल ही आ रखा, सॉरी आज ही आ रखा है माकोट से। और पीछे से मोहनी भी आ गई है, और ये है इसकी बड़ी दीदी। और इन्होंने गाड़ियों का ऐसा अभी खेल कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है बचपन में, किसी चीज़ को भी खेल बना देते हैं अपना। उन्हें तो सिर्फ कोई भी चीज़ मिल जाए बस। और हमारे अगल बगल में जो है आजकल गुलाब के काफ़ी प्यारे सारे फूल खिल रखे हैं, तो ये हैं जो कि एक गजब सा माहौल बनाती हैं। और ये देखिए, ये है एक सेब का पेड़, सेब नहीं नाशपाती बोल सकते हैं, जिसमें भी अब नाशपाती लगने लग गए हैं। और आज मैंने कुछ अलग ढंग से अपना व्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट किया है, तो वॉइस कैसी आ रही हो जो जरूर से बताएं। तो हमारे बगल में भी देखिए फूल हो रखे हैं, पर इसमें देखिए अलग अलग कलर के हो रखे हैं। ये एक ही पेड़ है और इसमें अलग अलग कलर के हो रखे हैं। पर देखिए, ये है पिंक जैसा हो रहा है, और वीडियो में कुछ अलग ही लग रहा है, और ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो एक ही फूल में अलग सा हो रहे हैं फूल। और दिस इज रितिका, एंड यहाँ को देखो, फोन में तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और यहाँ हरू बधान देखिए कैसा लग रहा है, खेलों में क्या कर रहे हो भाई? हाँ, तो बचपन के दिन होते हैं यार काफ़ी हसीन। कुछ दिनों बाद ये भी बड़े हो जाएंगे और इनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो अभी देखिए कैसे मज़े में लगे हुए हैं। ये है को कूड़ा मानना ही किलो मानना चाहिए, पर इसी ने तो दिया मुझे वो, अरे तूले देने मिगी, तूले नहीं दिया तो तू डा किलो माननी है फिर, ये बता है को मानना ही। ये पागलपंती देख रहे हो दोस्तों, इसकी पागलपंती एक जॉनी लीवर पता नहीं कहाँ गया हमारा, इनका नाती। ये देखो वो नीचे है, जॉनी लीवर देखिए, इसको क्या हुआ भाई? क्या हो रे? और क्या हो? अपना जॉनी लीवर नीचे गया है, ओ जॉनी लीवर। तो अभी हर्षित हर्षित को जो है बड़ी भयंकर सी लग गई है, हमारे वहां से चौक बोलते हैं, चौक से उसके हाथ में लग गई है। और ये देखो, ये है चौक, और देखो इन्होंने एक गाड़ी बना रखी है लकड़ी से, तो ये अपने बचपन की दिनों की यादें ताजा कर देती हैं। तो काफ़ी प्यारे दिन होते हैं बचपन के दिन, और बचपन में ऐसा लगता है यार कब बड़े हुए, और अब बड़े होते हैं तो लगता है कि यार कभी छोटे ही होते। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको। और अभी देखते हैं, और कोको उड़ गया है, देखते हैं एक बारी। देखो दोस्तों, कोको सो रखा है अपनी जगह पे, ये है इसका घर कोको। तो अभी कोको को सोने देते हैं, और बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार हो रहा है। तो मौसम
मौसम बदलते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, देख सकते हैं आप इतनी तेज वाली चटक सी वाली धूप लग रही है ना, बड़ी भयंकर सी धूप लग रही है। और अब देखते हैं जरा सा ऊपर देख के आते हैं क्या माहौल हो रहा है, शायद जंगली मुर्गियाँ आ सकती हैं, तो थोड़ा सा देर में चलेंगे अभी। शाम का समय है और अभी थोड़ा सा हम ऊपर टहलने के लिए जा रहे हैं और ऐसा कुछ सीन हो रहा है यहाँ का। और क्या पता जंगली मुर्गियाँ देखने को मिल जाएँ, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं देखे हुए, क्या पता आज दिख जाएँ। और यहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार हो रहा है और यहाँ पर हमारी टैंकी है, शायद ओवर नल का पानी हो गया है जो बह के सीधे नीचे को जा रहा है और रास्ता बिगाड़ रहा है, तो अभी देखते हैं। देखिए जो सामने आपको दिख रहा है ये झाड़ी, तो यहाँ पर अक्सर जंगली मुर्गियाँ आती हैं और यहीं पर घूमती रहती हैं और हमें पहले भी दिख चुकी हैं यहाँ पर काफ़ी बार। और यहाँ पर किलमोड़ी के पेड़ जिनमें अभी फल लगने लग गए हैं और ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, हम तो बड़े चाव से खाते हैं भाई। इनका आनंद तब आता है ना जब आप मैच खेलने के लिए गए हो और हाँ मैच खेलने के वक्त बैटिंग आई हो और खाते रहो, देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। तो यहाँ पर देखिए हिसालू के पेड़ सांस फूल रही है, तो धीरे धीरे हिसालू भी पकने लग गए हैं और ये देखिए एक यहाँ पर पक रखा है। खट्टे हो रहे हैं अभी, अभी थोड़ा सा पकने में टाइम है। तो आगे बढ़ते हुए देखिए हमें ये मिला, इसे जो है हमारे वहाँ ठीठ बोलते हैं जो कि इस चीड़ के पेड़ में होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं और इसे गढ़वाल में ठेंची बोलते हैं और यहाँ क्या कहते हैं ठीठ, तो काफ़ी अंतर है। और अभी हम चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, मेरा भतीजा आदि एक ऐसी चीज़ लेके आया है जो कि हमारे पहाड़ों में बचपन में जो है पहले के टाइम पे काफ़ी बच्चे यूज करते थे, हमने भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया है। तो ये है आदि, और आदि हेलो बोलो। हेलो। और देखिए इसके हाथ में जो है ये है घुसरी गाड़ी और इसे जो है हमने बचपन में काफ़ी ज़्यादा यूज किया है और ये अभी आपको थोड़ा सा चला के भी दिखाएंगे यहाँ को। और इसे ये जो है इसे देख के बचपन की यादें ज़रूर से ताज़ा होती हैं हमारे मन में। और तो अभी यहाँ पर चिल कर रहे हैं और चारों ओर का नज़ारा देखिए एक बारी कैसा हो रहा है इस शांत भरे माहौल में। तो देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा हो रहा है जो कि काफ़ी मनमोहक लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, यहाँ सनसेट का आनंद लेते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है और यहाँ पर जो है हमारे गांव वालों ने यहाँ पर चिन्ह वाला लगा रखा है, ये हमारे लिए है और वो भी और वो भी, मतलब यहाँ पर सही है शाम के वक्त और सुबह शाम के वक्त एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और ये जो है सभी गाँव वालों को मिला है शायद से सरकार की तरफ से, और इसे जो है यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए हमारा गांव जो है यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, चारों ओर मतलब फैला हुआ है और ये सेंटर पे पड़ता है बीचों बीच जहाँ पर सब लोग आ सकते हैं पर यहाँ कम ही आते हैं ज़्यादातर। तो अभी आदि लगा है अपनी गाड़ी को रिपेयर करने में, खुजली गाड़ी को जो है सही कर रहा है, उसका हैंडल टूट गया है और अभी सनसेट भी हो चुका है लगभग और खाली लालिमा लालिमा जैसी दिख रही है। और हमारा घर देखिए यहाँ पर है, सीधे यहाँ पर है और आगे वाली चोटी दानुगुलजू वहाँ भी चलेंगे किसी दिन। और अब टाइम भी हो चुका है, चलते हैं घर को। तो और ना मुझे रोज़ जंगली मुर्गियाँ दिखती थी और दिन 6-7 लगभग दिखते थे पर आज ही नहीं दिखे, आज मैं वीडियो में उन्हें दिखाना चाह रहा था पर आज ही नहीं दिखे। पर आपको मैं अपनी घर की मुर्गियाँ दिखा देता हूँ, एक लाल मुर्गा दिखाऊंगा आपको जो बड़ा भयंकर सा हो रहा है भाई, तो वो दिखा देते हैं।
आजकल मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा निखार आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो अब आगे जाके आपको अलग सी वीडियो देखने को ज़रूर से मिलेगी। आजकल कुछ ऐसा ही आसपास में थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस और बोलने का ढंग बनाने के लिए, अच्छा ढंग होना चाहिए ना बोलने के लिए, तो उसको उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं आजकल। तो अरे हमने हिंदी लैंग्वेज जो है काफ़ी कम बोली है ना, इसीलिए थोड़ा सा मदर टंग हमारा जो है पहाड़ी ही ज़्यादा निकल जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जो है आदत बना रहा हूँ मैं अपनी। तो सूर्यास्त भी हो चुका है और अब तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।